अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा पिसावा के निजी फार्म हाउस में जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी समय में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा अपने विभिन्न वर्गों और मोर्चों को दुरुस्त करने के लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है। भूपेंद्र चौधरी ने स्पष्ट किया कि भाजपा आगामी उपचुनाव में अधिसूचना जारी होने के बाद सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करेगी और जीत हासिल कर पार्टी का परचम लहराएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सपा परिवार विकास के नाम पर केवल अपने परिवार को ही बढ़ावा दे रही है, जबकि भाजपा राष्ट्रीय हित और सामाजिक समरसता की बात करती है। भूपेंद्र चौधरी ने हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया। वे स्पष्ट करते हैं कि भाजपा की नीति सामाजिक समरसता पर आधारित है और आगामी उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहेगा। यह थे भाजपा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र चौधरी के विचार। आगे क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने हैं उसकी तैयारी की दृष्टि से हम लोग अलग अलग हमारे मोर्चों के सम्मेलन हैं, हमारी बैठकें हैं, विभागों के हिसाब से अलग अलग सामाजिक वर्गों के हिसाब से हम लोग बैठकर अपने संगठनात्मक गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारी विधानसभा उपचुनाव है उसकी तैयारी का हिस्सा है। जैसे भी चुनाव में अधिसूचना लगेगी हम लोग प्रत्याशी घोषित करके 10 के 10 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित करके जनता के बीच में जाएंगे योगी जी के नेतृत्व में, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अब आप जानते हो कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, आज उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने आप सबके हैं, उनके परिवारों के लोग ही पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो समाजवादी पार्टी की सोच परिवारवादी है और हमारी सोच राष्ट्रवादी है। नहीं, हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं और मोदी जी और योगी जी का संकल्प है हम सबको साथ लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने हमारा प्रयास किया है, मेहनत की है और हमने वहाँ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो प्रतीक लोगों का विश्वास, उस विश्वास हमारी जीत में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास झलकता है। हम बड़े अंतर से तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने का अवसर हमारी पार्टी को दिया है। मैं माननीय नायब सैनी जी का और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्टार प्रचारक हैं जिन्होंने प्रचार किया है उन सबके प्रयास से हमें सफलता मिली है। अब ये उन लोगों को तय करना है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप देखेंगे 2014 से आज तक जो गठबंधन के अलग अलग चुनावों में अलग अलग दलों से गठबंधन करते रहे कहीं ना कहीं परिलक्षित तो होता ही है। खैर स्थित अग्रवाल सेवा सदन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने श्रमिक जागरूकता एवं योजनाओं के हित लाभ वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने हर मजदूर के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अनिल राजभर ने जोर दिया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। कहना है कि देश में कोई भी मजदूर महीने में कम से कम 20,000 रुपए कमाने के योग्य होना चाहिए। इस कार्यक्रम में अटल आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और राजस्थानी नृत्य जैसी मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को धनराशि के चेक भी वितरित किए। कुल 13 लाभार्थियों को 30,29,607 रुपए की राशि का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में श्रमिक पंजीयन और नवीनीकरण शिविर, कैरियर काउंसिलिंग और हेल्प डेस्क जैसे विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। आपके सभी जितने भी चैनल के साथी हमारे यहाँ उपस्थित सबने बड़ा हमारी पार्टी का सहयोग किया और सही बातों को जनता तक पहुँचाने में आप सहयोगी रहे आप सब लोग, और उसका परिणाम है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जम्मू कश्मीर में भी
लोगों का भारी समर्थन हमें मिला है, पार्टी के समस्त पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ता साथियों का, मोदी जी को चाहने वाले जितने लोग भी देश के अंदर रहते हैं, मैं सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। आज जो खैर विधानसभा के अंदर अलीगढ़ जनपद में आज यहां जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, वो श्रम विभाग के तरफ से अपने श्रमिकों के बीच में हित लाभ वितरण का कार्यक्रम, उनके बीच में एक जागरूकता का कार्यक्रम और हमारे सेवायोजन विभाग के तरफ से एक रोजगार मेले का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ है। उसी मकसद से, उद्देश्य से हम लोगों का आज यहाँ आना हुआ। देखिए, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 विधानसभा के बाई इलेक्शन जीतेगी, जनता इंतजार कर रही है। हरियाणा में देखिए क्या हुआ, ये खटाखट का नारा देने वाले, आरक्षण और संविधान के नाम पर लोगों के बीच में एक निगेटिव वातावरण बनाने वाले लोगों का हश्र क्या हुआ हरियाणा में, और वही हश्र उत्तर प्रदेश में होगा। यहाँ की माँ बहनें इंतज़ार कर रही हैं, जिनको खटाखट का नारा जिनके बीच में दिया गया, हमारे युवा साथी इंतज़ार कर रहे हैं जिनसे फार्म भरवाया गया, हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिनको आरक्षण और संविधान के नाम पर गुमराह किया गया, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी प्लीज़ एक बार और रिपीट। देखिए क्या है कि अपने हमारे जो धार्मिक संत महात्मा हैं, उनके अपने विचार हैं, वो समाज के बीच में समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अब अपने साधु संत महात्माओं के विचारों पर हम कोई टिप्पणी करें, ये कहीं से उचित नहीं है। वो पूजनीय हैं, समाज उनका आदर करता है, सम्मान करता है। बीजेपी उपचुनाव में कितनी सीटें हासिल करेंगे? 10 की 10 विधानसभा जीतेंगे और वन साइडेड जीतेंगे, एक तरफा विजय होगी। जनता का भारी समर्थन हमें मिल रहा है, जिला संगठन से लेकर प्रदेश संगठन ने, हम सब लोगों ने मिलकर, सरकार ने भी, जमीन पर हमने तैयारी किया है, जनता हमारे साथ खड़ी है और वन साइडेड चुनाव का परिणाम होगा। अलीगढ़ में एक चौंकाने वाली चोरी की घटना में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह के घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गई है। यह जानकारी परिवार को हाल ही में मिली है और आशंका है कि इस चोरी में उनके घर का नौकर शामिल है। पूर्व पार्षद नरेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री रघुराज सिंह के बेटे, ने गंभीरता को देखते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और 80% चोरी हुआ माल बरामद कर लिया है। मंत्री रघुराज सिंह ने बताया कि इस वर्ष 12 फरवरी को उनकी पत्नी का निधन हुआ था और इस दौरान घर में केवल बेटे नरेंद्र प्रताप की पत्नी और बच्चे रह गए थे। चोरी की जानकारी मिलने पर पता चला कि सागर नामक एक पुराना नौकर अपने साथी सचिन उर्फ लल्ला को सामान बेच चुका है। पुलिस अब इस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है। ऐसा है, मेरे पुत्र ने, बड़े पुत्र ने, पूर्व पार्षद हैं नगर निगम के, उन्होंने FIR दर्ज कराई है। हमारी पत्नी दिसंबर 2023 से बीमार थी और 12 फरवरी को उनका देहावसान हो गया। उसके दरमियान हमारे घरेलू नौकर ने जो घर का जेवर सामान वो सब चुरा लिया। हम लोग बड़े व्यथित थे क्योंकि एक तरफ तो पत्नी चली गई और दूसरी तरफ, इसकी वजह से व्यथित थे, लेकिन हमारे बड़े पुत्र ने करीब 1 महीने से लगातार इसका रैकी की। रैकी से पता चला, फिर परसों CO सेकंड हैं सिसोदिया जी, उनसे वार्ता की। इंस्पेक्टर पंकज जी हैं, पंकज मिश्रा हैं, वो दोनों को बुलाया, वो दोनों ले गए और उनसे सारा माल लगभग 70-80% अभी बरामद हुआ है। अभी 20-25% बाप रह गया है। तो घटना तो बहुत दुखद है। अब इसके विषय में क्या तो कहूँ, क्या ना कहूँ। कुल कितने रुपए की ज्वेलरी और कितने रुपए के अनुमानित होगा? अनुमानित पूर्वजों की संपत्ति थी,
करीब 40-45 लाख। अभी 80% से पुलिस ने बरामद कर लिया, तो एफआईआर दर्ज हुई है। नौकर कब से था यहाँ पर पुलिस? क्या बताऊँ आपको, मुझे खुद ही शर्म आ रही है। दिनांक 9/10/2024 को थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें आईटीआई कॉलोनी के गवाना हाउस गौड़नगर में निवास कर रहे मंत्री जी के बेटे द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि घर में से लगभग 50 लाख की चोरी हो गई है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण होना बताया गया तथा संदिग्ध नौकर पर आशंका जताई। सूचना के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें 4 अभियुक्त गणों को मैं चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 90-95% की चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 40-45 लाख की होने बताई गई है। शेष सामान की बरामदगी हेतु 3 टीमें प्रयासरत है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र में बारहद्वारी बाजार में फॉर्चून कंपनी की टीम ने दो कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में उन्हें नकली फॉर्चून रिफाइंड तेल बरामद हुआ है। मुंबई से आई फॉर्चून कंपनी की टीम ने स्थानीय दहली गेट पुलिस के सहयोग से यह छापेमारी की, जिसके दौरान 8 पेटी नकली फॉर्चून रिफाइंड तेल प्राप्त हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फॉर्चून कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर इजरार शेख ने बताया कि उन्हें अलीगढ़ में लंबे समय से नकली रिफाइंड की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने बताया कि छापेमारी बुधवार को बारहद्वारी बाजार में की गई, जहां दो कारोबारियों के स्थान पर यह माल मिला। पुलिस को इस मामले में लिखित शिकायत दी जा रही है और आगे की कार्रवाई के तहत पता लगाया जाएगा कि यह नकली माल कहां बन रहा है और इसकी सप्लाई कहां से हो रही है। रानी फिल्मर कंपनी से आए जी, छापेमारी ये फॉर्चून तेल की हुई है। डुप्लीकेट तेल यहाँ पे सेल हो रहा था, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी कंपनी की तरफ से, उसी की तहकीकात हुई है और 8 बॉक्स माल मिला है मार्केट से, दो दुकानों से माल मिला है 8 बॉक्स में। अभी इसकी लिखित तहरीर दी जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर कि माल कहाँ से आ रहा है, क्या है। जी हाँ बिल्कुल अवगत करा दें। जी हाँ आ गए जी, उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी FIR के बाद में शुरू हो जाएगी कि ये माल कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और कहाँ का सेल किया जा रहा है, पूरे अलीगढ़ में और कहाँ है और अलीगढ़ के आसपास भी किन किन जिलों में माल सेल हो रहा है, ये भी सारी जानकारी मिल जाएगी जी। ये कंपनी सख्त से कदम उठाएगी, इसलिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो डुप्लीकेट माल सील किया जा रहा है इसके खिलाफ तो जी फर्क तो बहुत सारे हैं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में भी आगे बताया जाएगा। अलीगढ़ में नगर निगम की टीम पर एक विवादास्पद घटना सामने आई है। रसलगंज चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम के सदस्यों ने स्थानीय दुकानदारों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की टीम ने जबरदस्ती उनकी दुकानों से सामान उठाकर फेंक दिया। इस दौरान नमकीन और चिड़वा बेचने वाले दुकानदारों ने विरोध किया और नगर निगम के अधिकारियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। दुकानदारों ने कहा कि हमने अपनी मेहनत से यह सामान तैयार किया है और ये लोग बिना किसी कारण के हमें परेशान कर रहे हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई और नगर निगम की टीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने भी इस घटना पर अपनी आवाज उठाई और कहा कि नगर निगम की टीम ने अभद्रता की और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। यह घटना अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में हुई, जो स्थानीय दुकानदारों और नगर निगम के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। क्या इस विवाद का समाधान निकलेगा, यह देखना बाकी है। हमारे साथ जुड़े रहें अधिक जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारी दुकान लगी है आशा देवी, ये कौन सी जगह कहलाती है? रसलगंज चौराया अकृष्ण चौक। क्या हुआ साथ? हमारे साथ में हमारी दुकान लगी थी, 4-5 दुकानों पे बहुत ज्यादा बदतमीजी की नगर निगम वालों ने आकर और लेडीजों के साथ में भी, और हमारे दो बच्चों को बहुत मारा है उन्होंने। एक के तो एक बेटे के हमारे गुम चोट लगी है, एक के हाथ में लाठी मारी है। हमारे नमकीन की दुकान है, बराबर में अंडे ब्रेड की दुकान है, उसके बराबर में भी नमकीन की दुकान है और बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। हमारी उनसे यही प्रार्थना है कि हमारे साथ कोई बदतमीजी न की जाए, अगर उनको चालान करना है तो वो चालान कर सकते हैं, लेकिन हमारे हम तो योगी जी से भी कहना चाहते हैं कि वो गरीबों के साथ है तो गरीबों के साथ में क्यों मदद नहीं कर रहे, गरीबों की क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वे? ये नगर निगम वाले हमारे साथ आए दिन बदतमीजी करते हैं, यहाँ के सामान फेंकते हैं। चालान वगैरह नहीं काटा आपने? नहीं, चालान कोई नहीं काटा, आकर आते ही बदतमीजी करिए, सामान फेंका, सामान उठाकर भी ले गए यहाँ से। सामान फेंका है, सामान उठाकर भी ले गए। क्या सामान है आपको? हमारे नमकीन वगैरह है, दाने वाने सब फेंक गए और ले गए उठा के भर के। ये नगर निगम वालों ने फेंका है। मैं राजेश कुमार वासनी बोल रहा हूँ
और मैं नगर निगम के खिलाफ बोलना चाहता हूँ कि नगर निगम इस समय पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नगर निगम अपनी विफलता के कारण व्यापारियों को परेशान कर रहा है। नगर निगम ने पूरे शहर को नरक बना रखा है। अधिकारी सब पैसा चूसने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। विकास का नगर निगम कोई कार्य नहीं कर रहा, उसका कार्य केवल ये है कि व्यापारियों को परेशान करो। और जो भी समस्या है व्यापारियों की, आए दिन व्यापारियों की दुकानों के आगे इतनी टेढ़ी रिक्शा लगते हैं, नगर निगम कोई कुछ नहीं कर रहा। पूरे शहर में सड़कें खुदी पड़ी हुई है, करोड़ों अरबों रुपए हमारे योगी जी ने दिया है, सब ये लोग जेब भरने के कार्य कर रहे हैं। 11 महीने का प्रोजेक्ट था रसलगंज बाजार का, स्मार्ट सिटी बनाने का, आज 3 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या हो रहा है रसलगंज में? डिवाइडर तोड़ दिया गया, डिवाइडर की जगह पर पार्किंग बनी हुई है। क्या कर रहा है नगर निगम? केवल व्यापारियों को परेशान करने के अलावा, उन्हें मारने पीटने के अलावा नगर निगम कुछ नहीं कर रहा। वो अपना ध्यान हटाना चाहता है अपनी विफलताओं के कारण। चारों तरफ टर्नियों से पूरा शहर परेशान है, एक एक जन जन परेशान है, लेकिन टर्नियों पर कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहा। सीधे साधे व्यापारियों से मारपीट की जाती है, उनकी दुकानों का सामान उखाड़ के फेंका जाता है। ये नगर निगम अपनी विफलता केवल व्यापारियों पर दिखा रहा है, और जो करोड़ों अरबों रुपए आया है उसके अपनी जेब भर रहा है। तो ये आज ये हुआ कि व्यापारियों की गाड़ी उतर रही थी यहाँ पर, वो अपना सामान उतार रहे थे, उनके सामान को फेंका गया, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? नगर निगम को अगर कुछ करना है चालान करें नगर निगम, मारपीट का अधिकार नहीं है। ये रसलगंज जिला अलीगढ़। देखिए यहाँ पे नगर निगम के जो कर्नल साहब हैं वो अपनी टीम को लेके आए, और ये गरीब अपना जीवन यापन कर रहे हैं नमकीन वगैरह बेच के, तो इनका सामान यहाँ से फेंक दिया गया जबरदस्ती, और इनके साथ बदतमीजी की गई, जिसका हम विरोध करते हैं। कोई भी अगर आपको, आपका दुकानदार कोई अतिक्रमण कर रहा है तो आप उसका चालान कर सकती हैं और उसको वार्निंग दे सकते हैं, लेकिन मारने पीटने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है, तो उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, और ये कर्मचारियों की जो सरकार विरोधी नीति है इसका हम विरोध करते हैं। ये भाजपा को बदनाम करने की नीति है, गरीब आदमी बदनाम है। इधर हमारे योगी जी मदद कर रहे हैं सबकी, और ये सब इनका रोजगार को उजाड़ रहे हैं, तो हम इसका व्यापार मंडल विरोध करता है इसका। और रसलगंज चौराहे पे जो आगे अतिक्रमण किया गया, त्योहार का टाइम है इस समय, हर आदमी 2 पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो इस तरह का अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर ये नहीं माने तो हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये बच्चे हैं सब, ये पीड़ित हैं तो करेंगे, इनका हक है अपनी पीड़ा रखने का, इन्होंने किया है, मारपीट की है इनका। इन्होंने बताया कि 1-2 के डंडे भी लग गए हाथ में, गुम चोट है, तो ये इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये सही कह रहे हैं, और सामान भी सब, सारा सामान इनका दिख रहा है, आपने वीडियो में भी लिया है, ये सामान सब फैला हुआ है इनका, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी वार्निंग दे देते या इनका चालान कर देते 200-500 रुपए का, कि भाई आगे मत रखना, लेकिन मारपीट का अधिकार किन्ने दे दिया इनको? क्या नाम? मेरा नाम भूपेंद्र वार्ष्णेय है, मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।